नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी खून गाढ़ेपन की समस्या है, या आपके खून में गंदगी है, या आपकी नसों में गैस बनती है और नसों में गैस के कारण आपके सीने में दर्द की समस्या है, या आपका बीपी हाई रहता है, या आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों, जिसका प्रयोग करके आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल हाथों हाथ कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। नसों की गैस बाहर निकल जाएगी, आपके शरीर का खून पतला हो जाएगा। डायबिटीज जैसी बीमारी का भी ये एक कारगर इलाज है, आपको दिल की बीमारियों से बचा कर रखेगा और आपके दिल को भी मजबूत करने का काम करेगा दोस्तों। इतना चमत्कारी और इतना कारगर नुस्खा है ये दोस्तों। इस नुस्खे को लेने के बाद आप इन दवाइयां लेने से बच जाएंगे जो आप हर रोज बीपी को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, दिल को मजबूत बनाने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो ये आप दवाइयां लेते हैं, इन दवाइयों को लेने से बच जाएंगे। बस आपने हमारे द्वारा बताए गए ये दो नुस्खे अपनाने हैं और आपके शरीर की बीमारियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। और बीपी और कोलेस्ट्रॉल का तो ये एक कारगर नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे पहले नुस्खे के बारे में कि सबसे पहला नुस्खा आपने बनाना कैसे है दोस्तों। सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको चाहिए अर्जुन की छाल दोस्तों। आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा तैयार करना है। आप इसके लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग भी कर सकते हैं या पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करेंगे तो अधिक बेहतर है, क्योंकि पाउडर में मिलावट की गुंजाइश होती है, इसलिए आप छाल का प्रयोग कीजिए दोस्तों। आपने क्या करना है, एक टुकड़े अर्जुन की छाल को एक गिलास पानी में उबालना है और एक चुटकी दालचीनी उसमें अपने डाल देनी है। और दोस्तों, जब वह पानी उबल उबल कर आधा रह जाए, तब आप उसमें अपने स्वाद के लिए गुड़ या शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। जो शहद मिलाना है वो आपने आग से नीचे उतार के मिलाना है, गुड़ आप ऊपर भी मिला सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अर्जुन की छाल के काढ़े का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको डायबिटीज है तब आपने इसमें गुड़ और शहद का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। आपने अर्जुन की छाल के काढ़े का सेवन हर रोज सुबह खाली पेट करना है। इससे क्या होगा, आपका वात पित्त और कफ बैलेंस होगा, आपका दिल मजबूत होगा, कोलेस्ट्रॉल की जो ब्लॉकेज है, आपकी जो नसों में ब्लॉकेज जम गई है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके घर में कोई भी टंकी का नल है, यदि आप उसको उसमें पानी चलता रहेगा तो धीरे धीरे ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, इसलिए आपको उसको साफ करने के लिए उसमें तेजाब डालना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपनी नसों को साफ करने के लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना पड़ेगा, तभी हमारी नसें ठीक होंगी और वो प्रॉपर रूप से काम करेंगी, क्योंकि अर्जुन का छाल का काढ़ा जो है वो नसों की गैस दूर करेगा, नसों की ब्लॉकेज दूर करेगा, नसों की मरम्मत करेगा, और जिससे कि आपका दिल प्रॉपर रूप से काम करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा। अब चलिए आपको बताते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में। आपने दोनों नुस्खे आजमाने हैं दोस्तों। दूसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए लहसुन। लहसुन की आपने लेनी है 3 से 4 कली। आपने इनको छीलकर साफ कर लेना है। साफ कर ली, अब इसके साथ में आपको चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आपने उसको भी धोकर छीलकर साफ कर लेना है, और 1 चाहिए हरी मिर्च दोस्तों। आपने इन तीनों को कूट लेना है और इनकी चटनी बना लेनी है। जैसे कि ये मैं कूट रहा हूँ, मैंने इनकी चटनी बनाई, आपने भी दोस्तों ऐसे ही करना है, इनकी चटनी बना लेनी है, और आप इसमें अपने स्वाद के लिए नमक मिला सकते हैं। और दोस्तों, आपने इसका सेवन भी हर रोज आप कर सकते हैं, इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप हर मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं या आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। रोटी के साथ खाने में भी इसका जबरदस्त टेस्ट आएगा इस चटनी का, क्योंकि ये चटनी बन गई दोस्तों। आपने इन दोनों का सेवन यदि आप करेंगे, आपकी हर तरह की ब्लॉकनेस खुल जाएगी, नसों में गैस के कारण जो आपको दर्द रहता था वो दूर हो जाएगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगी, बीपी और कोलेस्ट्रॉल तो हाथों हाथ कंट्रोल होगा दोस्तों। तो देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाइए और इन दोनों नुस्खों का सेवन कीजिए और अपने शरीर को निरोगी बना दीजिए। अपने शरीर की हर तरह की बीमारी का अपने घर पर ही
इलाज कर दीजिए और इन अंग्रेजी दवाइयों से बचे रहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।